गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स यूज़फुल। फ्रिक्शन जो है कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़। बहुत बार फ्रिक्शन क्या होता है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में काम आता है। इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। हम टम्बलर को आसानी से पकड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि हम, जैसे ये टम्बलर आपके फर्स्ट फिगर में है, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और टम्बलर के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जो फ्रिक्शन हमारे मतलब पैर में और ज़मीन में है, उसकी वजह से हम ग्राउंड पे इजीली चल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू राइट विद अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेंसिल एंड द पेपर। फ्रिक्शन की वजह से ही हम पेपर पर लिख पाते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, पेंसिल एंड पेपर। पेंसिल एंड पेपर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। हम फ्रिक्शन, चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आसानी से लिख सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड हेल्प ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन द रोड। फ्रिक्शन जो है वो टायर्स के और जो हमारी रोड है उसके बीच में रहता है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, आराम से जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो हमारी कार्स वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, रोड्स पर मूव कर पाती हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं, तो उसके बीच में भी क्या होता है, ब्रिक्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो वन बाय वन स्टेप रहती हैं। तो फ्रिक्शन हमारे समटाइम्स वेरी यूज़फुल। फ्रिक्शन इज़ समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। कभी कभी क्या होता है, ये अनडिज़ायरेबल होता है। सोल्स एंड शूज़ वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो सोल हैं और शूज़ हैं वो क्या होते हैं, वेयर आउट मतलब फट जाते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। जब ज़्यादा, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो रफ प्लेस है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कम्पेयर टू द स्मूथ सर्फेस। टायर्स ऑफ द बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स वेयर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही जो टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो वेयर आउट मतलब फट जाते हैं। स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस एंड फुट ओवर द ब्रिज इन रेलवे स्टेशन वेयर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। आपने कभी कभी देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन पे जो आपके फुट ओवर ब्रिज होते हैं, स्टेप्स ऑफ स्टेयर केसेज एंड फुट ओवर ब्रिजेज इन रेलवे स्टेशन वेयर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये भी क्या होते हैं, वेयर आउट हो जाते हैं। नाइफ्स एंड रेजर लॉस्ट देयर शार्प्स एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। जो नाइफ्स और रेजर हैं वो अपनी जो शार्पनेस होती है उसको भी खो देते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जो फ्रिक्शन है जब ज़्यादा हो जाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा रफ प्लेस पर होता है और कम फ्रिक्शन हमारा स्मूथ सरफेस पर होता है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, जब इंक्रीज़ करना हो फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो जो रफनेस है उस सरफेस की, उसको हमें इंक्रीज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, द सोल ऑफ शूज़ आर ग्रूव्ड टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जो सोल जो हैं, जिसकी शेप ऐसी होगी, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, ग्रिप कर लेंगे फ्लोर पर। जैसे कि ये, इसकी शेप बिल्कुल कैसी है, स्मूथ है, तो इसकी शेप में और इसकी शेप में फ़र्क है। तो जो ये वाले शूज़ होते हैं, उनकी सोल जो होती है, वो ग्रूव टू हैव अ बेटर ग्रिप, क्या होती है, उनकी अच्छी ग्रिप होती है। किस पे, फ्लोर पे, मतलब उनके और जो हमारा फ्रिक्शन है उनके बीच में अच्छी ग्रिप बन जाती है। द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ द, जो आपने आजकल टायर देखे होंगे उनके ऊपर क्या रहते हैं, ऐसा खुदरा खुदरा सा पन रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, अच्छे से क्या हो जाता है, ग्रिप क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, रफ सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो टायर जब इस तरह से होते हैं, शूज़ इस तरह से होते हैं, तो इनकी सरफेस रफ हो जाती है और इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। द ब्रेक पैड्स ऑफ अ व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसी की वजह से जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप। जो हमारे जो जिमनास्ट वाले होते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथ पर सम कोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, बेटर ग्रिप बना सकते हैं और कुछ इस तरह से खड़े हो सकते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस कब हो जाता है,
यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर और ऑयल्स एंड ग्रीस। जब हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं हमारे, ऑयल्स एंड ग्रीस, ये क्या होते हैं, ये हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। इनकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कम फ्रिक्शन तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा ना। यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, यूजिंग बॉल बियरिंग, जो हम बॉल बियरिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, रोलर्स भी यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड बहुत ज़्यादा रफ रफ होता है, तो हम उस पर पाउडर डाल देते हैं। रफ की वजह से जो हमारा हमारा गेम है, वो स्टिकर्स जो है वो नहीं स्मूथली मूव कर पाते, तो हम क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं। पाउडर से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। कम फ्रिक्शन मतलब स्मूथनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और उसकी वजह से रिड्यूस हो गया फ्रिक्शन। तो कैरम पे स्प्रिंकल करते हैं पाउडर को। ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। जो ऑयल हैं और ग्रीस हैं वो जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के, उसमें डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से क्या होता है, उसकी हेल्प से जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली मूव करते हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं हम फ्रिक्शन। रफ हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से ये ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं और जो हमारा फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, चीज़ स्मूथली चलने लगती है। रोलर्स आर यूज इन लगेज बैग्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। जो हमारा फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कौन करते हैं, जो रोलर लगे होते हैं हमारे बैग्स वगैरह में, वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को। व्हील्स आर यूज व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स हैं वो भी यूज़ करे जाते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शंस को। बॉल बियरिंग आर यूज टू सीलिंग फैंस। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से हमारे सीलिंग फैंस, जहाँ मेन हमारे जहाँ तीनों फैन के जो पर होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, उनके बीच वाला हिस्सा जो होता है उस पर ये आपका बॉल बियरिंग लगा होता है। ये क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, और फैन जो है वो ईजिली चलना शुरू कर देता है। यूजफुल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एनी वन ड्राइविंग अ कार। फ्रिक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जब कोई गाड़ी चला रहा होगा। ग्रूव टायर ट्रेड्स अलाउ स्पेस फॉर वाटर टू पिच चैनल अवे फ्रॉम द रोड टायर कॉन्टैक्ट पॉइंट अलाउइंग मोर फ्रिक्शन इन वेट कंडीशन। और जब टायर जो है वो वेट कंडीशन में भी अलाउ करेंगे ज़्यादा फ्रिक्शन, ठीक है, जो इनके ग्रूव टायर्ड होते हैं, जो इस तरह से टायर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन वाटर में भी। शूज़ आर डिज़ाइन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। जो ऐसे शूज़ डिज़ाइन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्मूथली क्या करते हैं, रोड पर चल पाते हैं, कहीं भी चल पाते हैं। वो किसकी वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। स्मूथ सरफेस होती है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्मूथ हमारे स्लीपर्स होते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जो हमारी रफ सरफेस होती है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों को ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए और ये चलने फिरने में हमें दिक्कत ना करें। फ्लूड फ्रिक्शन, फ्लूड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूड फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैम। ये फ्लूड फ्रिक्शन अप्लाई होता है लिक्विड पर और गैसेस पर। फ्लूड फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड पे ऑब्जेक्ट की, उसके शेप पर, और उसके नेचर ऑफ द फ्लूड पर। बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूड फ्रिक्शन। जो बर्ड्स हैं उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जस्ट लाइक अ एरोप्लेन, एरोप्लेन की भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को, मतलब कम कर देते हैं। फिशेज़ लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी, उनकी फिशेज की भी क्या होती है, बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, वो भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को। एरोप्लेन्स हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, सबकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का क्या फंक्शन होता है, वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, कम करता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अगर ये रिड्यूस नहीं करेगा फ्रिक्शन, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये अपने आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन एंड एनर्जी, फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी मशीन विद मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो हमारी हर मशीन में प्रेजेंट होता है, किसी भी मशीन में ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये पार्ट्स को मूविंग करने में हेल्प करता है। इफ़ द मशीन इज़ स्मॉल द फोर्स आर लो, मशीन छोटी होगी तो फोर्स भी कम अप्लाई होगा। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन में ऑल्सो भी स्मॉल, मशीन छोटी है, फोर्स कम प्रेजेंस हो रहा है तो फ्रिक्शन भी इसमें कम ही होगा। ईच टाइम टू मूविंग सरफेसेस टच ईच अदर टाइनी बीट्स ऑफ मटीरियल आर ब्रोकन ऑफ बाय मैनी फ्रिक्शन। अभी कोई टू मूविंग सरफेस टच ईच अदर, कोई चलती हुई दो चीज़ें एक दूसरे को टच कर रही हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ब्रोकन ऑफ बाय फ्रिक्शन, वो टूट जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बिट्स ऑफ मटीरियल यूजेस एनर्जी,
ठीक है, ये फ्रिक्शन का रोल है कि फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्या 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 हमारी लाइफ में हेल्प करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।